पर समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है
किसी भी ग्रुप की बात होती है, जैसे कि भीड़, ठीक है, समुदाय, संघ, ये क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक। समूह के नाम को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? द्रव्य का मतलब आपको पता है ना, पदार्थ, मैटर, जो भी मैटर होता है या द्रव्य होता है उसके नाम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या, सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, मेटल्स हो गए, उनका नाम क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा फीलिंग्स, हमारे फीलिंग, जैसे हंसना, रोना, गाना, ठीक है, गाना नहीं, सॉरी, गाना एक्शन हो गया, तो हंसना, रोना, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, इसको हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब देखिए, बेसिकली वहां पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को वहां पर कोई डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है, हमें एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है पीडीएफ मिल भी जाएगा और हम स्क्रीन पे दिखा भी देंगे कि जो है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको उससे काफी आइडिया हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं होगा उसमें, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, संज्ञा के बारे में। उसके अलावा अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि चांदनी चौक में जो चांदनी चौक है वो क्या है? चांदनी चौक में जो चांदनी चौक है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चांदनी चौक में जो चांदनी चौक है, मैंने कहा था किसी जगह के नाम को या फिर किसी भी पर्टिकुलर नाम को हम क्या बोलते, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चांदनी चौक आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह अगर किसी भी नगर का नाम दिया जाए, देश का नाम दिया जाए, शहर का नाम दिया जाए, या फिर किसी भी स्टेट का नाम दिया जाए, किसी भी समुद्र का नाम दिया जाए, किसी पर्सन का नाम दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है? देखिए, अगर एक बूढ़ा आदमी या फिर बूढ़ा अगर हम कहें तो बूढ़ा किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहे, बूढ़ा पूरे एक मतलब ग्रुप को भी नहीं कह सकते हैं, एक जाति बोल रहे हैं, बूढ़ा कई लोग हो सकते हैं, जैसे आपका प्रोफेशन होता है, वो कोई प्रोफेशन जो होता है वो किसमें आता है? जातिवाचक संज्ञा में। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, जैसे हम टीचर है, तो केवल हम टीचर नहीं है, टीचर बहुत से लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा नाम रजत है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन मैं टीचर हूँ, अगर मेरा प्रोफेशन टीचर है, टीचिंग है, सॉरी, तो टीचर किसमें आएगा? टीचर आएगा जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो बूढ़ा अगर केवल बूढ़ा होता तो क्या होता? जातिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पे बूढ़ापा हो गया। इससे आपको एक बात और पता चलती है कि अगर बूढ़ा शब्द दिया उसको हमें बुढ़ापा में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, या फिर हम इसका आंसर बता देते हैं कि बुढ़ापा शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा, ठीक, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि बूढ़ा अगर लिखा है तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा काम क्या है? पढ़ाना, ठीक है, मैं क्या हूँ? टीचर या मास्टर बोल सकते हो। तो अगर मैं मास्टर हूँ या अध्यापक हूँ, तो जैसे हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं ना कुछ लोगों से, ज्यादा मास्टरी ना झाड़ो यहाँ पे, तो वो मास्टरी क्या हो जाता है? वो भाव हो जाता है, ठीक है। और जब हम केवल मास्टर होने की बात करते हैं, केवल टीचर होने की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या है? प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब बाजार, बाजार क्या होता है? मैंने अभी बताया था, एक ग्रुप जहां पे भी होगा उसमें क्या हम कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक हो गया ये आपका। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये 9 नंबर पर पहले लिखा है, ये देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? तीन, और कौन कौन से? वो भी जो पहले तीन मैंने पढ़ाए थे, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, एक, और जातिवाचक, और समूहवाचक नहीं, भाववाचक। उसके बाद भाववाचक, ये तीन जो होते हैं, ये तीन व्युत्पत्ति के आधार पर मेन भेद होते हैं, ठीक।
उसके बाद पंडित से भाववाचक संज्ञा, जैसे अभी मैंने बताया कि मास्टर से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया क्या मास्टरी, वैसे पंडित से, पंडित से जो बनता है पांडित्य बनता है, ठीक है, पांडित्य ये एक भाव है, ठीक। तो पांडित्य ये हमारा क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया पंडित, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा आता है गुण, दोष या भाव, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आए कि क्या आता है, तो गुण दोष भाव जिसमें तुम्हें, जिसमें मतलब आपको इस तरह का सॉरी वो मिल जाए ऑप्शन गुण दोष या भाव, तो आप उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। पशुता शब्द है, पशुता शब्द क्या है, अभी मैंने बताया था कि जैसे कि पशु है तो वो क्या है, जानवर क्या है, जाति, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पशुता तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, कवि, कवि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है भाई, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द का भाववाचक क्या है, बताओ, मानव शब्द का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे पशु का पशुता होता है तो मानव शब्द को भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मानवता, ठीक है, मानवता। और मानव, मानव शब्द क्या है, मानव शब्द अभी मैंने शुरू में बताया था जातिवाचक संज्ञा, जितने मैं आपको पीडीएफ में दूंगा आप उसने पढ़ लीजिएगा, आपको उससे काफी आइडिया हो जाएगा, ब्रॉड एरिया आपको मिल जाएगा, ब्रॉड सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आप सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और नेक्स्ट टाइम पे और किसी टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।